नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज के दिन वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है, जो 25 अप्रैल 2018 का दिन है। ये वर्ल्ड मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इससे जो रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और PDF फाइल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और www.targetwithgoswami.com वेबसाइट पे आप विजिट करके डेली करंट अफेयर्स और लॉट ऑफ नोट्स हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, रीजनिंग, मैथ, सभी प्रकार के इंग्लिश के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड मलेरिया डे से। तो 2018 का जो वर्ल्ड मलेरिया डे है, उसका जो थीम है, जो विषय है, वो क्या है? रेडी टू बीट मलेरिया। मतलब मलेरिया का अंत करना ही इसका, उसको बीट करना ही इसका उद्देश्य है। तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए, 25 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया का संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसके काटने से मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाएं, जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, RBC बोलते हैं जिसे हम, कोशिकाओं में प्रवेश कर बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता, एनीमिया के लक्षण उभरते हैं, खून की कमी हो जाती है। और देश में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1953 से ही शुरू किया गया है। 20 अप्रैल 2016 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा यूरोप को विश्व का प्रथम मलेरिया मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। तो 2016 में जो यूरोप है वो मलेरिया मुक्त हो गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, जो 7 अप्रैल 1948 को बना था, 5 सितंबर 2016 को श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया। दक्षिण पूर्व एशिया में मालदीव के बाद श्रीलंका दूसरा ऐसा देश है जिसने मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। मालदीव 1984 में मलेरिया मुक्त हुआ था। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और NFME का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया का संपूर्ण उन्मूलन करना है। किसका? NFME का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत भी मलेरिया मुक्त हो जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देख लो। एक तो इसका जो विषय रखा गया था, रेडी टू बीट मलेरिया, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसके प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट के शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है, तो ये मादा एनाफिलीज से फैलता है। और यूरोप है वो 20 अप्रैल 2016 को मलेरिया मुक्त हो गया था, और 5 सितंबर 2016 को श्रीलंका, और 1984 में मालदीव, और 2030 तक भारत का लक्ष्य है मलेरिया मुक्त करना। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने टॉपिक को उठाया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।